देश में 8 राज्यों में हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने के बाद विभिन्न हिंदू संगठनों ने उन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की मांग की है। इसी के तहत सनातन युवा शक्ति ने अलवर में प्रधानमंत्री के नाम एडीएम द्वितीय बीएल रमन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें देश में जनसंख्या नियंत्रण के तहत एक कानून बनाने की मांग की गई, साथ ही जिसमें सभी समुदायों को पाबंद भी किया जाए, जिसमें 2 बच्चे तक पैदा करने के लिए कानूनन उन्हें पाबंद किया जाए। आज हिंदुओं पर खतरा मंडराने लगा है। ज्ञापन देने गए विजय यादव सहित अन्य लोगों ने खून से हस्ताक्षर कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आज 1 जून 2018 अलवर के डीएम कार्यालय के बाहर से यहां बैठकर अपने सभी हिंदू साथियों के साथ अपने रक्त से पत्र लिख रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, और उनसे अनुरोध कर रहा हूं, आग्रह कर रहे हैं सभी अलवरवासी कि वो जल्द से जल्द इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए, 2 child policy का कानून हो, ताकि इस देश में बेताशा बढ़ती हुई जनसंख्या को हम रोक सकें। और उनके संकल्प जो हमारा और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि नव भारत निर्माण 2022 उसको हम हासिल कर सके, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर एक भार है, और जब तक हम जनसंख्या को नहीं रोकेंगे हम भारत को पूर्ण विकसित देश नहीं बना पाएंगे। इसलिए आज ये जनसंख्या बहुत जरूरी है। इसके पीछे चाहे चोरी की घटनाएं हो, देश में विकास को लेकर मुद्दे हो, या किसी भी तरह को विषय हो, उनके पीछे मैं ऐसा मानता हूं कि जनसंख्या एक कारण है और हमें इसको जल्द से जल्द इस पर कानून बनाना चाहिए। दूसरा, देश में जनसंख्या का जो असंतुलन है उसे भी रोकना जरूरी है, क्योंकि वो देश की एकता अखंडता के लिए भी खतरा है। हम देख रहे हैं कश्मीर के हालात, पश्चिम बंगाल के हालात, केरला के हालात, पश्चिमी यूपी के हालात, तो इन सब को देखते हुए एक नौजवान और जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे तो ऐसा लगता है कि हम अब चुप नहीं बैठ सकते। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा हम इसी तरह जन जागरण करते रहेंगे, और मुझे भारतीय प्रधानमंत्री, अपने प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है कि वो जल्द से जल्द इस पे कानून बनाएंगे और हम सब हिंदुओं को, हिंदुस्तान को भविष्य में सुरक्षित रख पाएंगे।